आरती भारद्वाज और आप सिनेस्पिक्स देख रहे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी के बारे में। वेल दोस्तों, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कुछ ऐसे मोड़ आ गए हैं जिसको लेकर आप भी बहुत टेंशन में आ जाएंगे। आप सबने देखा कि झूमर काट के गिराया किसने बलविंदर में, इल्जाम किस पे आया लक्ष्मी पे, क्योंकि एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि लक्ष्मी चाकू लेकर ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि चाकू बलविंदर के हाथ से लक्ष्मी ले रही होती है और बचाने के चक्कर में वो सब कुछ हो जाता है। इधर डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है कि नीलम को नहीं लगा है। इधर घर के सब लोग जो हैं वो लक्ष्मी पे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बस इकलौती जो है ऋषि की दादी है वो कहती कि लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती है। इधर लक्ष्मी भगवान जी के पास जाकर कहती है कि मैं आपसे हमेशा कलेकटी कर लूंगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, मैंने क्या किया था कि आपने ऐसा किया। इधर क्या होता है कि लक्ष्मी बार बार ऋषि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि बात नहीं करता और कहती है कि मिंटू तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे अच्छा तो ये ऋषि है, ये मेरा सच्चा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। उसके बाद लक्ष्मी नीलम के कमरे में जाती है तो नीलम कहती है कि मेरे नजरों से दूर हट जाओ, चले जाओ यहां से, क्या करने आई हो तुम यहां, मतलब बहुत सारी बातें। घर में सब लोग लक्ष्मी से नाराज है। अब लक्ष्मी बहुत परेशान है, अब क्या करें।